बीकॉम पार्ट सेकंड के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हम लोग देख रहे थे चैप्टर। इसके हमने जो है तीन पार्ट पहले देख लिए, चौथा पार्ट अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन इसका एक हम सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसमें देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बैलेंस ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड जो है वो 31 मार्च को 2015 को उनका बैलेंस इस प्रकार से है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 5 लाख की और 3 लाख रुपए की, दोनों की 10-10 रुपए के शेयर्स हैं। ये ए लिमिटेड कंपनी और बी लिमिटेड है, दोनों के 14% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ए लिमिटेड में 2,20,000 के और बी लिमिटेड में 1,70,000 के। जनरल रिजर्व दोनों का 50,000-25,000 आपको दे रखा है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इन्वेस्टमेंट दे रखा है 30,000-20,000। अलाउंस रिजर्व दे रखा है आपको बी लिमिटेड का 10,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 75,000 और 50,000। 13% डिबेंचर्स हैं आपके 50,000 और 35,000 के। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं आपके 45,000 और 35,000 के। अदर करंट डायबिटीज में आपकी 20,000 और 15,000 की। इस साइड में आपके एसेट्स दे रखी है और नीचे आपको जो कहा गया इन्फॉर्मेशन उनको ध्यान से देखिए बच्चों। बिल 1 अप्रैल 2015 को ए लिमिटेड बी लिमिटेड का अधिग्रहण करती है, ठीक है। ए लिमिटेड में बी लिमिटेड को मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है। ए लिमिटेड क्रय प्रतिफल का भुगतान करती है, ठीक है। तो क्रय प्रतिफल मेथड से इसमें दिया है कि कितना प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा। बी लिमिटेड के इक्विटी अंशधारियों को 10 रुपये वाले 35,000 इक्विटी अंश मूल्य पर निर्गमित किए गए, ठीक है। और बी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% जो प्रीमियम पर भुगतान करते हुए 10,000 पहले 15% पूर्वाधिकार अंश जो है उनको इशू किए गए हैं। इसी तरह से बी लिमिटेड के ऋण पत्रों को ए लिमिटेड के उतने ही ऋण पत्रों में परिवर्तित कर दिया जाएगा और बी लिमिटेड के संचय को जो है 2 वर्ष और बनाए रखना है। आपसे कहा गया कि एकीकरण के पश्चात ए लिमिटेड का चिट्ठा यह मानते बनाइए। दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूर्ण करेंगे, तो मैं आज वाले इस लेक्चर में आपको एक मेथड से समझाती हूँ और दूसरा वाला मेथड हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम आज देखेंगे कि एकीकरण विलय की प्रकृति का किस प्रकार से होता है। द अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, ताकि आप मर्जर के क्वेश्चन समझिएगा, फिर उसके बाद में हम जो है इन द नेचर ऑफ परचेज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो थी आपकी टोटल 5 लाख और 3 लाख की, लेकिन नीचे आपको कहा गया है कि 10 रुपये वाले इक्विटी अंशधारी को 35,000 इक्विटी शेयर सम्मूल्य पर निर्गमित किए गए। इसका मतलब बी लिमिटेड की कैपिटल कितनी हो गई, अब 3,50,000 रुपये हो गई। तो 5 लाख प्लस 3 लाख मिलाकर के आपकी जो कैपिटल होती है वो होती है 3,50,000 और 5 लाख मिला के होती है 8 लाख की। इसके बाद में आपको कहा गया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स नए इशू किए गए हैं, तो वो जो पहले वाले कैपिटल थी वो थी 1,70,000 रुपये की, ठीक है। तो 1,70,000 में उसकी जो वैल्यू है उस पर उनको जो है पूर्वाधिकार शेयर जो है वो दिए गए 100 रुपये वाले 10% प्रब्याजी पर प्रीमियम पर। तो 1,70,000 में 17,000 का प्रीमियम 10% और जोड़िए, तो अब इसका मतलब है बी लिमिटेड के जो जाएंगे वो जाएंगे 1,87,000 रुपये के। तो ये 1,87,000 के जो है आपको शेयर्स दिए हैं और एग्जिस्टिंग शेयर्स 40% जो शेयर्स हैं 100 रुपये वाले वो तो आपकी कंपनी के खुद के हैं ही, वो है आपके 2,20,000 रुपये के, उनको एज इट इज लिखना है। तो ये आपकी जो है इक्विटी शेयर कैपिटल में चेंज हुआ, मतलब ए लिमिटेड ने जो है बी लिमिटेड को खरीदा है, मर्ज किया अपने पास में, तो अब दोनों की बैलेंस शीट एक ही बनेगी। मेन कंसेप्ट ये है। अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है। जनरल रिजर्व जो आपको पुराना दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50,000 और 25,000 का दिया हुआ है, टोटल आपको 75,000 का दिया हुआ है। लेकिन अब जो रिजर्व उसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि जो है इसने कहा है कि आपको रिजर्व जो है उसको 2 वर्ष को वैधानिक को रिजर्व को बनाए रखना है और कंसिडरेशन का जो है चेंजेस के बदले में जो क्या फ़र्क पड़ेगा इनमें वो देखा जाएगा। तो शेयर कैपिटल जो थी वो क्या कितनी हो गई, 3 लाख और 1,70,000 रुपये, ठीक है। तो ये 4 लाख सामान्य संचय गणना जो आप कर रहे हैं वो कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई 3 लाख और 1,70,000 रुपये, तो ये हो गए आपके 4,70,000 रुपये। तीन लाख और 1,70,000 की आपके अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड है ना। बी लिमिटेड में आपकी कैपिटल कितनी बनती है, बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल ओनली आपको देखनी है। बी लिमिटेड की देखिए शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर से 3 लाख रुपए के और प्रेफरेंस शेयर से 1,70,000 रुपए के। तो टोटल इसकी कैपिटल बनती है 1,70,000 रुपये, 4,70,000 हो गई। अब अपने को देखना होगा
कि इसमें जो है 6 लाख 3,50,000 और जो है 1,87,000 है ना, 3,50,000 और 1,87,000 माइनस किया आपने तो आ गया आपका 5,37,000 रुपये, ठीक है। और 5,37,000 रुपये आने के बाद में इसकी गणना करेंगे आप तो 5,37,000 में से 67,000 हो गए, तो ये हो गए आपके 50,000 प्लस 25,000 75,000 रुपये होते हैं, और 75,000 रुपये जो है उसमें से 67,000 माइनस करते तो आते हैं आपके 38,000 रुपये। तो इस तरह से जो इसको करेंगे, और नेक्स्ट जो इसका जो है इन द नेचर ऑफ मर्जर अभी हम देख रहे हैं, और फिर दूसरा वाला जो इसका हम देखेंगे वो अगला कल कल देखेंगे इसका हम इन द नेचर ऑफ परचेस, ठीक है बच्चों। तो ये आज के इसमें हम देख रहे हैं, तो ये जो है इस प्रकार से इसको जो है 8,000 को जो है जनरल रिजर्व के रूप में जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये जनरल रिजर्व आपका जो है 8,000 आ गया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व वही रहेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वही रहेगा, और सरप्लस जो है वो पी एंड एल अकाउंट का 1,25,000 रुपये आया है आपका ये रहेगा, और आपकी जो है बोरिंग्स है वो 85,000 की, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाइए और वो वाले फिगर्स लेते जाइए। डिबेंचर्स आपके 50+30 इनको जोड़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस 75+1,50,000 ले लीजिए, ट्रेड क्रेडिटर्स है 45,000 और 35,000 के ले लीजिए, और इसके बाद में जो है आपके एसेट्स रहती हैं आपकी फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिटिंग्स को ले लिया आपने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ले लिए 1,20,000 के, ठीक है। ये सब ऐड करते जाएंगे यहाँ पर जो आपके दिए ना एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को ऐड कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सबको ऐड करते जाएंगे तो दोनों की जो है मिलाकर की कंबाइंड जो है ये संपत्तियाँ हो जाएंगी। कैश आपका 1,26,500 तो ये 16,50,000 इसके प्रकार से होगा। कल इसका हम एक और पोर्शन देखेंगे इन द नेचर ऑफ परचेज, उसको मैं अलग से फिर एक और वीडियो बना करके आपको उसका दिखाऊंगी। आज हमने देखा इन द नेचर ऑफ मर्जर किस प्रकार से होगा। धन्यवाद।